जय हिंद, नमस्कार। देश में इसी महीने से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती रैली शुरू होने वाली है। सबसे पहली रैली पंजाब के लुधियाना व कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 अगस्त से होना प्रस्तावित है और लुधियाना वाली सेना भर्ती रैली के लिए तो 1 अगस्त यानी आज से एडमिट कार्ड भी जारी होने की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि फिलहाल तो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट ही बंद आ रही है। देखिए, हमने आज सुबह करीब 10:35 पर इसको चेक किया था, इस साइट को, तो उस समय यह ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट बंद थी। फिलहाल हो सकता है कि यह साइट चालू हुई हो। देखिए, ऐसे में जहां ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट बंद होने से युवाओं को आवेदन करने में परेशानी हो रही है, तो वहीं लुधियाना भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज शाम तक भी इसको लेकर एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अगर भर्ती शेड्यूल में मानसून को देखते हुए कोई बदलाव नहीं किया जाता है, यानी अगर इस भर्ती को सही टाइम पर कराया जाता है, 10 अगस्त से ही यह भर्ती शुरू होती है, तो फिर आज शाम तक एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। क्योंकि सेना की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी यही बताया गया है कि 1 से 7 अगस्त तक लुधियाना सेना भर्ती के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये एडमिट कार्ड युवाओं को उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी भेजे जाएंगे। हमने इसको लेकर लुधियाना के कुछ युवाओं से भी बात की है, जिस पर उन युवाओं ने बताया कि हम कई दोस्त ईमित्र वालों की दुकानों पर भी गए और वहाँ जाकर भी हमने चेक कराया, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। युवाओं ने हमें यह भी बताया कि हाँ, अभी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट है वो बंद आ रही है, यह उन्होंने भी चेक किया है। शायद साइट पर या तो कुछ अपडेट किया जा रहा है या हो सकता है कि कोई जरूरी मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा होगा। लेकिन दूसरी ओर कई भर्तियों के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो बेहद करीब है और ऐसे में साइट बंद होने से युवाओं को आवेदन करने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए साथियों, नोटिफिकेशन के अनुसार तो शायद आज शाम तक लुधियाना भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाने चाहिए, अगर भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो। और अगर भर्ती को आगे बढ़ाए जाने का भी विचार है मानसून को देखते हुए, तो हो सकता है कि इसके बारे में भी आज शाम तक कोई अपडेट सभी को देखने को मिल जाए। हम पंजाब के लुधियाना में होने वाली सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि अगर इसको लेकर आपके मेल आईडी पर कोई अपडेट आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 8562864202 पर अपडेट जरूर कराएं। अगर एडमिट कार्ड का लिंक भेजा जाता है तो उसके बारे में भी जानकारी दें, और अगर कोई और दूसरा अपडेट दिया जाता है तो आप उसके बारे में भी हमें अवगत जरूर कराएं, ताकि देश में दूसरे राज्यों में होने वाली सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को भी कुछ अच्छा मैसेज मिल सके अगर एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो। उन्हें भी यह लगने लगेगा कि हाँ, अब तो देश में सेना भर्ती रैली शुरू होने वाली है और उनकी सेना भर्ती भी शुरू जल्द होगी, जिससे कि सभी युवा इस मोटिवेशन के साथ में अपनी अपनी तैयारियों में और जान लगा दें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।